नमस्ते एवरीवन, हम ऐसा क्या करें कि होल डे एनर्जेटिक रहें और अपने सारे काम तेज़ी से करें। उठते ही सबसे पहले प्रेयर करें, ईश्वर को याद करें, भगवान को याद करें। जो भी आप प्रेयर करते हैं, परमपिता परमेश्वर को सर्वप्रथम याद करें। रात में सोने से पहले नेक्स्ट डे का शेड्यूल रेडी होना चाहिए कि नेक्स्ट डे क्या क्या करना है। वन डे बिफोर नेक्स्ट डे प्लानिंग से आप जल्दी भी उठ जाएंगे। रात में सोने से पहले अपने माइंड को इंस्ट्रक्ट करिए कि आपको कितने बजे उठना है। यदि आप अपने आप से कह के सोएंगे कि मुझे 5 बजे उठना है या 4 बजे उठना है, तो अकॉर्डिंगली आप उठ जाएंगे। धीरे धीरे ये हैबिट में आ जाएगा। दीज आर कॉल्ड एज अ बायोलॉजिकल क्लॉक। इसी को बायोलॉजिकल क्लॉक कहते हैं। और एक बार ये सेट हो जाता है तो हमारा बॉडी उसी के अकॉर्डिंग फंक्शन करता है। लाइफ ऑब्जेक्टिव शुड बी, अदरवाइज लाइफ विल बी डल। फॉलो टाइम टेबल, इन दिस वे यू विल बी ऑर्गेनाइज्ड होल डे। ज़्यादा खाने और ज़्यादा सोने से आप आलसी हो जाएंगे। बॉडी विल नॉट बी हाईली एनर्जेटिक टू परफॉर्म एनी वर्क। सम फिजिकल एक्टिविटी मस्ट बी एवरी डे। डिड यू नोटिस, ज़्यादा खा लेंगे तो आपसे काम नहीं होगा। टेक मील 2 times अ डे। इन बिटवीन यू कैन टेक लाइट स्नैक्स। आपने ऑब्जर्व किया है, जब आप बैलेंस फूड लेते हैं, ना कम ना ज़्यादा, यू विल फील लाइट, अदरवाइज यू विल फील वेरी हैवी। टेक वेजिटेरियन फूड एंड फ्रूट्स। एनी पर्पस शुड बी लाइफ। इट कैन बी स्मॉल और बिग, दैट डज नॉट मैटर। ट्राई टू इन्वॉल्व योर सेल्फ इन एनी फिजिकल एंड मेंटल एक्टिविटी, अदरवाइज योर लाइफ विल बी स्पॉइल्ड, डल और नीरस हो जाएगी। किसी भी चीज़ की अति मत करिए। इन्वॉल्व इन गार्डनिंग, म्यूजिकल एक्टिविटी, इनडोर एंड आउटडोर गेम। लास्टली रीड और वॉच सम गुड क्वालिटी कंटेंट। दीज आर द सजेशंस फॉर एवरी स्टूडेंट्स। होपफुली ऑल दीज थिंग्स मेक्स यू बिजी, ऑक्यूपाइड, एनर्जेटिक, नॉट डिप्रेसिव। थैंक यू।